Hello everyone, welcome back to the channel and academy class 11th and 12th. My name is Akshay and I am your physics educator at this channel. So जैसा कि आपने पहले देखा होगा, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है एनसीईआरटी चेकलिस्ट सीरीज। जैसे जैसे हम एग्जाम के पास जा रहे हैं, हमारे पास टाइम कम होते जा रहा है, सिलेबस अभी भी बहुत ज्यादा बच्चों का बचा हुआ है, या कुछ बच्चों का बिल्कुल भी नहीं हुआ है, या कुछ बच्चों ने एक बार सिलेबस कर लिया है। तो रिवीजन जो होगा अब हमारा, वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकल एक तरीका होना चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। एंड वो लोग जिनका ऑलरेडी सिलेबस नहीं हुआ है, उन्हीं लोगों के लिए भी आगे दो मंथ की स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो मैंने क्या किया है, इस वीडियोस और ऐसे छोटे वीडियोस में जो कि आपके रिकॉर्डेड आएंगे, उनमें मैंने सारी एनसीईआरटी को सम अप कर दिया है। वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स उसमें दे दिए हैं, जो आपको चेकलिस्ट बना के देख के जाने हैं। मतलब आप लोगों को, चाहे आप 30-40% सिलेबस में हो, चाहे आप 90% सिलेबस, ये चेकलिस्ट आपको फॉलो करनी ही करनी है। ऑल्सो क्योंकि कुछ बच्चों का सिलेबस बहुत कम हुआ है, तो वो इनमें से कौन सी वो बेसिक इंपॉर्टेंट बातें जो आप कर लेंगे तो भी आप मिनिमम 85% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बोर्ड्स में, वो आपको देख के जाने हैं। फिर से एक बात नोट करने वाली है कि एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल द थ्री एग्जाम्स, बोर्ड, नीट एंड जेईई, बिकॉज नीट और जेईई को करवाता कंडक्ट एनटीए, एंड आपका जो बोर्ड होता है वो कंडक्ट होता है सीबीएसई के थ्रू। मतलब यही बेस है, इसके अलावा कोई भी साइड बुक आप लगाते हैं तो वो सिर्फ एडिशनल ही होगा, लेकिन ये चेकलिस्ट आपको फॉलो करके जानी है। तो हर चैप्टर को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वो कौन कौन से तीन पार्ट है? सो एवरी चैप्टर इज डिवाइडेड इंटू बेसिकली थ्री पार्ट्स। वन इज डेरिवेशंस, one is illustrations, and the third is numerical. तो जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप इन तीनों पार्ट्स को इंडिविजुअली टिक लगा के करके जाएंगे, मतलब इन सारी बातों को, इन सारे न्यूमेरिकल को, इन सारे इलस्ट्रेशन को आप करके जाएंगे, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका अनटच्ड होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Also, जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 2 के ये वाले पार्ट नहीं देखे हैं, वो जाके देख ले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, एंड प्लेलिस्ट को फॉलो करें एनसीईआरटी चेकलिस्ट। सो सबसे पहले बात करते हैं हम डेरिवेशंस की। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन पढ़ने हैं। तो डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सॉलिड स्फीयर, दैट इज कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग दोनों, लेकिन आप हॉलो स्फीयर छोड़ सकते हैं। लॉजिकली अगर देखा जाए तो कंडक्टिंग स्फीयर हॉलो स्फीयर की तरह रिएक्ट करता है, तो एक तरीके से वो उसको हटाने का या छोड़ने का कोई पॉइंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो हमें देखना है, वो देखना है इनफाइनाइट रॉड। मेंस और नीट वालों के लिए फाइनाइट रॉड भी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन बोर्ड वालों के लिए सिर्फ इनफाइनाइट रॉड का डेरिवेशन हमें देखना है, जिसको हम गॉस लॉ से करेंगे। तो जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो गॉस लॉ का ही डेरिवेशन है, जो आपको निकालना होता है। इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एरिया, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन, दैट इज उसका एप्लीकेशन भी आपको देखना है। उसका एप्लीकेशन क्या है, दैट इज शीट का फील्ड निकालना, इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना, ठीक है। अगर नेक्स्ट चीज पे हम चलें तो दैट इज अबाउट डाइपोल। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है वो आपको करना है, वो दोनों डेरिवेशन आपको करके जाने हैं। आपको पता है एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, उसके एडिशनल में जहां से हर बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा डाइपोल से 3 मार्क का क्वेश्चन फिक्स है, या तो वो डेरिवेशन होगा या वो न्यूमेरिकल होगा, लेकिन ये दोनों डेरिवेशन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइपोल, दैट इज टॉर्क ऑन डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल। यही सारे डेरिवेशन है जो हमें चैप्टर 1 में देखते हैं। अगर बात करें इलस्ट्रेशंस की, तो दीस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आपका बन जाता है, एंड जेईई मेन और नीट में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इजी 4 मार्क्स आपको दिलवाते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 4 इलस्ट्रेशन है लगभग जो हमें पढ़ के जाने हैं। वन इज डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, 0 क्यों होती है, कैसे प्रूव होती है, वो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली। देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज और उनको ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, पॉइंट चार्ज के लिए, सॉलिड चार्जेस के लिए, एंड गॉसियन सरफेसेस के बारे में आपको पूरा का पूरा उनकी ड्रॉइंग एज वेल एज उनकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन डायपोल, सो ये सारे चारों बातें हैं जिनमें से आप डेफिनेटली देखेंगे कि एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में दिखेगा आपको, एंड डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको मेंस एंड नीट में दिखेगा। तो ये वो चेकलिस्ट मैं तैयार कर रहा हूं जो आपको करके जाने हैं, बिकॉज बहुत बच्चों को ये कभी कभी समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली कौन कौन सी बातें जो हमें टिक करके जानी है। और आप देखेंगे जब इस वीडियो ये वीडियो खत्म होगा, तो आपके पूरे आपके दिमाग में पूरा माइंड मैप बना होगा एक चैप्टर को लेकर, और आप बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे कि चलो इतनी बातें जो हमें करके जानी है। देखिए 4 बातें, अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट लिखना स्टार्ट करूं तो सिर्फ मुझे 10 मिनट लगेगा इन 4 बातों से, और वो आपको सीधे सीधे 203 मार्क्स
बोर्ड में दिलवाएंगे एंड 4 marks मतलब एग्जैक्टली 1 question आपका सही नीट या जेई में करवाएंगे। तो अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पे जो है हमारा न्यूमेरिकल्स, एंड काफ़ी बच्चों को न्यूमेरिकल्स में ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको कभी समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली वो कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें पढ़ के जाने हैं। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर आप जो मेहनत नहीं कर सकते वो मेहनत हम टीचर्स कर लेते हैं, एंड पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि पैटर्न्स रिपीट होते हैं क्वेश्चंस के, खासकर जेईई मेन, नीट और बोर्ड्स में। तो ये सारे जो न्यूमेरिकल सब मैंने लिखे हैं, सिर्फ इतने न्यूमेरिकल आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके +8 marks हो जाएंगे जेईई या नीट में, या फिर आपको डेफिनेटली 3 mark मिलेंगे आपके बोर्ड के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पहले 3 की बात करूं तो ये पहले 3 में से 1 question फिक्स है या second 2 में से 1 question फिक्स है, मतलब डायपोल से हमेशा मैंने बताया 3 mark फिक्स होते हैं बोर्ड्स में। तो देखिए, सबसे पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है। इक्विलिब्रियम पॉइंट ड्यू टू चार्जेस आपसे पूछा जाएगा कि नेट फोर्स या नेट फील्ड कहां पे जीरो होता है। सेकेंड इज नेट फोर्स एंड नेट फील्ड फाइंड करना ड्यू टू चार्जेस, अगेन एक कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज ही होगी और आपको ये फाइंड करना होगा कि किसी पॉइंट पे नेट फोर्स कितना लग रहा है या नेट फील्ड कितनी है। एंड देन फाइंडिंग चार्ज और फ्लक्स बाय गॉस लॉ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज बीइंग रिपीटेड एवरी अदर ईयर इन बोर्ड्स। एंड फोर्थ विच रिपीट्स एवरी ईयर इन बोर्ड, दैट इज या तो टॉर्क फाइंड करने को बोलेगा, या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फाइंड करने को बोलेगा, या वर्क डन फाइंड करने को बोलेगा। ये अगर बोलेगा तो बहुत बच्चे फंस जाते हैं, तो बच्चों को अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू, अगर एक्सटर्नल वर्क है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, कंजर्वेटिव वर्क है तो चेंज इन माइनस पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मुला होता है वही आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे स्टेबल अनस्टेबल की कंडीशन भी याद रखना कि किस एंगल पे स्टेबल और किस पे अनस्टेबल आता है इक्विलिब्रियम। ऑल्सो मेरा सजेशन रहेगा 1 marks के लिए सर आप सारे फॉर्मुले तो एटलीस्ट याद करके जाइए। जैसे आपको याद होना चाहिए कि रॉड की इनफाइनाइट रॉड की फील्ड का फॉर्मुला एक्जिस्टेंस पे क्या होता है, सो देट आप वो 1 marks के क्वेश्चन को क्रैक कर पाए। सो आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी आई होगी ये छोटे से वीडियो में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या करके जाना है, एंड आई कैन गारंटी यू कि इस चेकलिस्ट को करके आप 100 marks स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड्स में। ऑल्सो आपको अपने लेवल पे क्या करना है, अगर आप ऑलरेडी अबव 80% सिलेबस पे हैं तो जाके सारे पीवाई की उसको मार्क कीजिए, मैंने हमेशा बताया है, उनको इन कॉन्सेप्ट से जोड़िए, देखिए कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा पीवाई की रिपीट हो रहे हैं, उनको अपने हिसाब से स्टार मार्क कीजिए एंड वो आपकी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होने चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, कॉमेंट डाउन करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है एंड वॉट हाउ मच and in what ways this particular series is helping you। also comment down below कि आपको कौन से chapter सबसे पहले priority पे चाहिए, वो chapters मैं आपके लिए सबसे बनाने की पहले कोशिश करूंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, डरने की कोई बात नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम और एफिशिएंट होते जाएंगे अपनी प्रिपरेशन में। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं इस सीरीज को अपना बेस बनाएं, और जो डिस्क्रिप्शन में आपको इस चीज की PDF भी मिल जाएगी जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इस वीडियो को छोटा इसलिए रखता हूं जो सो दैट मैं आप ब्रीफ में समझा पाऊं कि उस पर्टिकुलर चीज में आपको एग्जैक्टली क्या करना है। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड बी सेफ। तो काफी बच्चे इस चीज को मानेंगे कि यार हमारी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी मिस होने के कारण बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, या इतने महीनों में आपने रियलाइज कर लिया होगा कि पैंडेमिक में आपका कोई विथहोल्डिंग हैंड होल्डिंग नहीं कर रहा था, तो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं मिस हो गई है। तो अभी भी हमारे पास मौका है, आप आ सकते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे एंड अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं वहां पे पुराने ओल्ड वीडियोस के थ्रू एंड नए क्रैश कोर्सेज जो लॉन्च हो रहे हैं। तो अगेन टू कम ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अप्लाई दिस कोड एंड अनलॉक ऑल द फ्री कॉन्टेंट, क्योंकि मैं काफी सारी स्पेशल क्लासेस भी लेने वाला हूं आगे इन महीनों में। तो डू अप्लाई दिस कोड एक्सटेंड टू अनलॉक ऑल द स्पेशल क्लासेस, एज वेल एज अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या आपका कोई भाई बहन या छोटे जो सिबलिंग्स हैं या फिर आपके कोई भी फ्रेंड आने वाले टाइम में सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो डू शेयर दिस कोड, बिकॉज शेयरिंग दिस कोड मींस योर सपोर्ट डायरेक्ट टू मी एंड विल एक्चुअली मोटिवेट मी टू मेक मोर एफिशिएंट एंड ऑसम कंटेंट फॉर यू पीपल एज वेल एज यूर जूनियर्स। तो इससे आप जब पेमेंट करेंगे तो यू विल गेट 10% ऑफ, एज वेल एज समवेयर डाउन द लाइन यू गेट माय मेंटरशिप ऑल्सो, कहीं ना कहीं आपको एक तरीके की गाइडेंस मुझसे भी मिलेगी। ऑल्सो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ये सेम कोड लगा के 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड ऑल दी फैसिलिटीज आपको जो मिलने वाली है सब्सक्रिप्शन पे वो स्क्रीन पे दिख रही होंगी। यू गेट ऑल दी लाइव क्लासेस, यू गेट ऑल दी टेस्ट सॉल्यूशंस एज वेल एज रेगुलर टेस्ट आर कंडक्टेड, एज वेल एज आपके सारे के सारे डाउट सॉल्विंग क्लासेस वहां पे होते हैं, एवरी 4th क्लास इज अ डाउट क्लास, एज वेल एज न्यू टेस्ट सीरीज आर लॉन्च एंड एवरी बेस्ट एडुकेटर ऑफ इंडिया इज ऑन द प्लेटफॉर्म। सो वन सब्सक्रिप्शन
एक्सेस टू ऑल दी बेस्ट एडुकेटर्स, तो कहीं ना कहीं आपकी जो बाउंडेशन होती है कि हमें एक एडुकेटर समझ नहीं आ रहा, वो सारी चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड कहीं ना कहीं बड़े यूनिक बैचेस आपको मिलते हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं एमसीक्यूज का बैच मिलता है, कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट का बैच मिलता है, कहीं सिर्फ डेरिवेशन का बैच मिलता है। तो अलग अलग बैचेस से आप अलग अलग तरीके की अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो डू अप्लाई दी कोड व्हेन यू आर एक्सेसिंग ऑल दी फ्री कंटेंट एज वेल एज व्हेन यू आर रेडी फॉर दी सब्सक्रिप्शन, डू अप्लाई दिस कोड अक्स10 एंड गेट ऑल दी ऑसम फैसिलिटीज। बेस्ट ऑफ लक फॉर दी एग्जाम, वी विल बी मीटिंग सून।